हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन नाउ? जस्ट प्लीज चेक इट वंस एंड मैसेज मी. हेलो फ्रेंड्स, इज इट फाइन नाउ? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन. There was small technical issue which came and that was resolved in a short span of time only. So friends, today we are here to discuss that approximately 120 days are left for the exam. What strategy should be followed in a way that you are able to clear the exam in this attempt only? हेलो फ्रेंड्स, अभी इज द वॉइस क्लियर टू एवरी वन? आई एम ऑडिबल टू एवरी वन? वेरी गुड मॉर्निंग अंकित, हाउ आर यू? फ्रेंड्स, जस्ट कंफर्म इफ आई एम ऑडिबल टू एवरी वन. A small technical issue came which was resolved. So just confirm it once so that we can start up with the class. Okay, fine, take it. So a very good morning to everyone. Friends, we are here today to discuss basically the important strategy that has to be followed in the last 120 days so that you are definitely there sitting for the mains. And friends, whenever you are making a plan, I always say to students, whenever you are making a plan, make a plan for at least till the mains end. Mains तक का अपना plan बना के चलिए. अभी भी आपके पास आपके हाथ में काफी time पड़ा है. Definitely you are in a position to clear the exam in this attempt only. Even if you are a fresher and willing to work for approximately 10 hours per day. पर डे भी तैयार करने को रेडी हो. 10 hours per day, आई डू नॉट मीन कि 10 hours आप चेयर पे बैठे हो, सामने बुक भी रखी हुई है, कुछ आप पढ़ रहे हो, कुछ आप फोन पे काम कर रहे हो. नहीं, फोन को आपको बिल्कुल साइड पे करना पड़ेगा. चाहे आपको फोन, जैसे अगर पढ़ रहे हो फोन पे बात अलग है, लेकिन पढ़ते पढ़ते ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ और चलता रहे. 10 hours per day फ्रॉम हेयर ऑन इज सर्टनली नॉट अ प्रॉब्लम in a way that you will be clearing the prelims. 10 hours per day means 10 hours per day. आप clock से लेके 1-1 घंटे के duration में पढ़िए, 2 hours के duration में पढ़िए, take a break for 10 to 15 minutes, फिर उसको आगे continue करिए. It is very much important to formulate a strategy. And not only to formulate a strategy, but also to implement that strategy in a equal way. स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट ही नहीं करना, बट उसको इम्प्लीमेंट करने की भी पूरी कोशिश करनी है कि अपने एग्जाम के लिए इम्प्लीमेंट किया जा सके. एंड इम्प्लीमेंटेशन हैज टू बी डन विद इन योर प्लान ओनली. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टूडेंट सेज कि सर उसको पॉलिटी पढ़नी अच्छी लगती है, ठीक है पॉलिटी पढ़ लो, इसमें क्या है. टेक हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज यू आर वॉन्ट टू रीड फॉर पॉलिटी, गो फॉर पॉलिटी. इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर है, सी सेट है. दीज आर द वेरियस ऑप्शन दैट आर अवेलेबल. और यही हमने तैयार करना है, इसी में से एग्जाम की तैयारी करनी है. फर्स्टली नो व्हाट इज देयर. वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन. इन दीज एग्जाम्स द टू थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. वन इज टाइम टू रीड द एग्जाम, टू रीड द पेपर इन द कंटेक्स्ट दैट रीड द सिलेबस from books. Second thing is question answer.
plus the revision aspect. क्वेश्चन आंसर एंड रिवीजन, दीज आर टू थिंग्स दैट आर देयर. पहले बात तो आपने बड़े अच्छे तरीके से किसी भी चीज को पढ़ना है, देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम दैट. कुछ आपको आता हो कुछ आपको नहीं आता होगा, वो आपको रिवाइज करना है. फॉर एग्जाम्पल द लिस्ट ऑफ द बुक्स, ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट नोज की कौन कौन सी किताब पढ़नी है कौन सी किताब नहीं पढ़नी. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, एवरी वन नोज द सोर्सेस लेकिन एग्जाम फिर भी क्लियर नहीं हो पाता. फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी द रीजन फॉर इट, कि सब कुछ पता है एग्जाम फिर भी क्लियर नहीं हो पा रहा, व्हाट कैन बी द रीजन फॉर इट. वी विल नॉट कीप द क्लास ओनली वन वे, हम डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे आते रहेगा. सो व्हाट कैन बी द रीजन फॉर इट. आपको पता है कि हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है, ज्योग्राफी के लिए आपको ABC बुक पढ़नी है, इकोनॉमिक्स के लिए सब पता है आपको, तो फिर एग्जाम क्यों नहीं क्लियर हो पाता, व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड इट. वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू, बिल्कुल डर लगता है, फर्स्ट इज फियर फैक्टर. वेरी ट्रू, बिल्कुल सच बोले. वेरी गुड, टाइम मैनेजमेंट हर्षल बिल्कुल सही बोला आपने. थर्ड इज रिवीजन. एनी अदर रीजन एंड डिफरेंट स्टूडेंट्स आर देयर, आपको क्या लगता है कि एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हो पाता. सब पढ़ते हैं, ईमानदारी से भी पढ़ते हैं बहुत बार, एग्जाम क्यों नहीं क्लियर हो पाता बार बार. ओरिएंटेशन एंड रिवीजन, ओरिएंटेशन प्लस रिवीजन, बिल्कुल सही बोले उमेश. और कुछ, व्हाट अदर रीजन कैन बी देयर. इसको अब तक लगता है यार ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एग्जाम नहीं हो पाता, ओवर कॉन्फिडेंस, और कभी कभी ये भी बहुत बुरी मार देता है. Yes, what else? देखो सबको पता होता है वहां पे, मेजोरिटी स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताऊंगा, लगता है कि जैसे ये पढ़ा है उसमें कुछ देगा, ठीक है, लैक ऑफ टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज कम सॉल्व हो पाती है, एग्जाम पैटर्न नहीं समझ आ रहा. चलो एक साइड पे हम रखते हैं इसका पॉजिटिव, इसका रीजन फॉर नॉट क्लियरिंग. और जो रीजंस मैंने लिखे हैं आपने अपने बोला है, एवरीवन वो डिग्री की मेरे को कहीं ना कहीं पे ये चीज मेरे ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो पाता है. नाउ विल कम टू अ वेरी गुड पॉइंट, आप बताओ जी अपनी आप सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ व्हाट एवर इट मे बी. आपको क्या लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, जैसे इंटरव्यू में नॉट बी ऑल मॉक इंटरव्यूज चल रही है, हम पूछ लेते हैं स्टूडेंट से यार अपनी स्ट्रेंथ बता क्या है. People say it is unpredictable. First is dedication. First, सेकेंड थिंग इज बी पॉजिटिव. अपनी अपनी बतानी है, जो बाहर से पड़ोसी की सुनी हुई है वो नहीं बतानी. पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड हार्ड वर्किंग,
पता नहीं चल पाई थी, कोई बात नहीं, इज ऑनेस्टी हाँ फैंटास्टिक, वो फिर बड़ा जेन्युइन सा रीजन है। अब पॉजिटिव बताइए सब लोग, व्हाट आर द पॉजिटिव स्ट्रेंथ दैट यू पीपल हैव। और क्या स्ट्रेंथ है आप में, एनी एनी स्ट्रेंथ, अपनी अपनी बतानी है लेकिन अच्छी अच्छी बातें नहीं बतानी। टेल वन और टू मोर स्ट्रेंथ एवरी वन कैन, व्हाट आर योर ओन स्ट्रेंथ्स, आपका स्ट्रेंथ क्या है। अगर रमन आप लिखते टाइम मैनेजमेंट, ये भी एक बहुत जरूरी स्ट्रेंथ है। चलो अगर हम इसको यहां पे भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये ना ये कहीं पे आपके फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो पा रहा। फर्स्टली एंड आई टोटली एग्री विद इट दैट दिस इज डेफिनेटली अ वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम ऑफ ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट, बट ऑन द अदर हैंड यू वुड ऑल्सो भी एग्री, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज तो आप में होना एक इनहेरेंट है। डू यू एग्री विद इट और नॉट, दैट आपकी ये स्ट्रेंथ होना आप में इनहेरेंट है। एवरी वन इज एग्रीइंग टू इट और नॉट, अगर ये होना इनहेरेंट है तो क्या डेडिकेशन से फियर फैक्टर बड़ा हो जाएगा क्या? क्या डेडिकेशन से एग्जाम पैटर्न अनप्रडिक्टेबल फियर हो जाएगा क्या? अगर पॉजिटिव रहते हैं तो आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे क्या? हार्ड वर्किंग है तो आपको क्या रिवीजन में कोई कमी आ सकती है? ऑनेस्टी है तो क्या ओवर कॉन्फिडेंस होगा? नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट करना है तो आप टेस्ट सीरीज भी करोगे, रिवीजन भी करोगे, सब कुछ करोगे। इफ देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर वेरी मच फंडामेंटल टू द प्रेपरेशन, सर्टन थिंग्स विच आर पॉजिटिव एंड दे आर पॉजिटिव एंड एप्लीकेबल टू ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट, सर्टन थिंग्स आर नेगेटिव इन दिस एग्जाम एंड दे आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट। ये अब आप कहीं ना कहीं पर ये बात मानोगे, चाहे आपकी कितनी भी तैयारी है, फियर फैक्टर विल ऑलवेज बी देयर। कितने भी अच्छी मैनेजमेंट है, कुछ ना कुछ आप रह जाता है। आपने बोला चार रिविजन करके जाऊँगा या जाऊँगी, तीन रह जाती हैं। ऑरिएंटेशन बोला कि मैं ये करूंगा, थोड़ा बहुत रह जाता है। पांच उंगली का भी फिंगर्स आने, बट इज द सेम। इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड नॉट बी दैट मच कंसर्न अबाउट योर फियर, बट यू शुड बी वेरी मच पॉजिटिव अबाउट द स्ट्रेंथ यू हैव। फियर फैक्टर है कोई बात नहीं, बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, निकालेंगे एग्जाम। हिंदू से करंट अफेयर सॉल्व नहीं होगी आपको, हिंदू इज जस्ट वन बेसिक न्यूज़पेपर, उससे करंट अफेयर सॉल्व नहीं होंगे। हाँ वेरी गुड यार, डेफिनेटली एक फियर तो एक नेचुरल है ना, इंसान है, वी आर एवरीवन इज अ ह्यूमन बीइंग। कहीं ना कहीं पे डर लगता है, और डर उसी चीज का लगता है जिस जो हमें अपने अपने उस जो प्यारी होती है। इन दैट केस बिकम्स इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड बी कंसर्न अबाउट यूपीएससी बट नॉट फेयरिंग अबाउट यूपीएससी। फर्स्टली अगर हमें स्ट्रेंथ पता है, अगर हमें पता है कि हमारी वीकनेस क्या है, पॉजिटिव फैक्टर क्या है, देन कैन वी अंडरस्टैंड इट, कैन वी हैव वन थिंग, दिस थिंग फॉर एग्जांपल इन अवर रूम पेस्टेड, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, आई विल बी इन अ मैनेज स्टे पॉजिटिव, आई एम डेडिकेटेड टू द एग्जाम, आई विल बी एबल टू मैनेज द टाइम एंड आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट ऑल द कमिटमेंट्स दैट आई एम मेकिंग। नेगेटिव है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज एवरी, वी आर नॉट हेयर टू लुक एट वट आर द प्रॉब्लम्स की एग्जाम क्यों नहीं क्लियर हो रहा, वी आर हेयर कि एग्जाम कैसे क्लियर किया जा सकता है। प्रॉब्लम सबको पता है यार, सबकी लाइफ में है प्रॉब्लम्स, दैट इज नॉट, दैट इज जस्ट वन आस्पेक्ट, उस प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशन भी तो हैं। वी आर हेयर टू बेसिकली टू वर्क अपॉन द मल्टीपल सोल्यूशन विच आर देयर। फैंटास्टिक, आई विल कम टू योर पॉइंट। फर्स्टली, सेकेंडली, वेन एवर, देखो दो चीज है, either you are being surrounded by persons who are comparatively negative in their life, or you are surrounded by persons who are comparatively positive in your life,
will determine where you stand today and where you will be standing tomorrow. There are certain things, certain person. For example, अगर हमने इसके ऊपर ही वापस जाते हैं discussion पे, fear factor, time management है. I'll just explain the experience of yesterday. A student came to meet me. She was a doctor practicing for approximately last 3 to 4 years. She said, दो बार वो attempt, एक बार वो attempt दे चुकी हैं. Next year she's again appearing for the exam. There's a gap of 3 to 4 years. पहले attempt में और ये दूसरे वाला जो attempt वो देना चाह रहे हैं. She came, discussed multiple things with me. One thing, और सबके लिए applicable, I think it will be applicable equally to you people also. Equally to you people. Reason बताता हूँ. She says, कि सर, जब मैं पढ़ती हूँ, मेरे को पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा time लग जाता है. मेरे दोस्त बोलते हैं, कि तुम्हें ज़्यादा time लग रहा है, इसलिए तुम सही नहीं जा रही हो. This is what she frankly came and told me, कि मेरे को पढ़ने में ज़्यादा time लग रहा है, मेरे दोस्त बोल रहे हैं तुम्हें पढ़ने में ज़्यादा time लग रहा है, इसलिए तुम सही नहीं जा रही हो. मैंने बोला, ये दोस्त कौन है? इस कोई selected इंसान है इसमें से? किसने इंटरव्यू दी है? सर नहीं, मेरे दोस्त हैं, they are preparing from last 3 years and they are unable to clear even the prelims. यार ऐसे ऐसे बंदे जो 3 साल से खुद का प्री नहीं हो रहा, वो तुम्हें बोल रहे कि तुम गलत हो, एंड यू आर एग्रीइंग टू दैट थिंग. कैसे हो सकता है? जस्ट एनालाइज योरसेल्फ. एवरीवन वुड बी इन द सेम पोजीशन, ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट इज देयर. खुद 3 साल से प्री नहीं हो रहा और तुम्हें गाइड कर रहे कि ऐसे कर ले बेटा, ऐसे कर ले बेटा, ऐसे कर ले. अरे खुद तो निकाल ले अपना. यार मैं ऐसा ही हूँ, आई एम वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टू द पॉइंट. जो गलत है वो गलत मानना पड़ेगा, मैं मानता हूँ जो गलत है गलत है. और आप भी इस चीज़ पे आओ कि ठीक है, जो गलत है वो गलत है. और उसको अगर कोई गलत गाइड कर रहा है, उसको बोलो ना, यार तेरा खुद क्यों नहीं हुआ, उसको एक सिंपल सी बात पूछो, अरे तेरा क्यों नहीं हो रहा. हेल कम टू गिव मल्टीपल रीजंस फॉर इट. तेरे पास अपने जस्टिफिकेशन करने के लिए मल्टीपल रीजन है, उससे बोल दो आई एम डेडिकेटेड टू वर्ड्स एग्जाम, मैं कर दूंगा, खत्म. सो फर्स्टली is who is guiding you, who is mentoring you. Is very very important. तो वेर आपको क्या देखना है कि वहां पे आपने किस तरीके से एग्जाम निकालना है. स्टे बी इन टच विद दोज पीपल हु आर कंपेरेटिवली पॉजिटिवली कमिटेड टू बताए. नॉट ओनली कमिटेड, कमिटेड कोई भी हो सकता है. 15 घंटे पढ़ने वाला भी कमिटेड है और 5 घंटे पढ़ने वाला भी कमिटेड है. हो सकता है इसका रिजल्ट ना आए, इसका रिजल्ट आ जाए. व्हाई? बिकॉज ही नोज व्हाट नॉट टू रीड एंड ही रीड्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग. दिस इज वन वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम दैट इज देयर विद द स्टूडेंट्स. पता नहीं होता भी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. गाइडिंग एंड मेंटरिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम. सेकेंडली, थर्डली, another thing that becomes important for this exam itself is basically in the consideration that not only dekho book list to sabko pata hai, that's not a big thing. Uske liye multiple classes have already been taken up. Ye pad lo, wo pad lo, multiple YouTube pe bahut logo ne video dali hui hai. Thoda sa usko sochne ki zarurat hai. If मैंने पहले वाली क्लास में भी बोला था, अगर सिर्फ बुक लिस्ट से ही होने लगे तो 2018 में 200 में से कट ऑफ 98 गई थी, which is was not that good marks. हाँ बिल्कुल रमन, काफी हद तक आपके ठीक है, लेकिन उससे सबसे बड़ी बात है रमन, मेंटर शुड ऑल्सो बी द राइट वन. चलो 98 मार्क्स, अगर 10th क्लास में 98 मार्क्स आ जाए किसी के 200 में से, दैट कम्स आउट टू बी जस्ट 49%. और हम बोलते हैं नलायक बच्चा ये, तो फ्रेंकली आप यूपीएससी की कट ऑफ 49% क्लियर नहीं कर पा रहे हो. 2019 आप 102 कट ऑफ चली गई होगी मैक्सिमम इसके आसपास, तो देयर फॉर इट बिकम्स 49%, 51%. दिस इज व्हाट द कट ऑफ रेशियो इज बेसिकली वेरिंग फ्रॉम.
बहुत ज्यादा नहीं है बुक, और उस टाइम पे व्हेन देयर इज अबंडेंस अबाउट ऑफ मटेरियल दैट इज अवेलेबल, सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल बोथ इन द ऑनलाइन एंड द ऑफलाइन मोड, एंड दैट्स अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑनलाइन में फ्री या डाउनलोड करिए, ऑफलाइन में कहीं का भी प्रिंट आउट ले आइए, व्हाट्सएप मिल जाएगा। स्टिल डिस्पाइट द फैक्ट दैट अबंडेंस ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल, प्री फिर भी नहीं हो रहा। What to read in that material, friend, is even more important. सिर्फ बड़ी बड़ी किताबें होना जरूरी नहीं है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल, आप भी उस एग्जाम्पल को काफी हद तक मानोगे अगर दिल्ली में सो कॉल्ड ब्रांडेड कोचिंग से अपने इंस्टीट्यूट में से आपने कोचिंग करी हुई है, अगर सो कॉल्ड ब्रांडेड, क्योंकि वो पुराने हैं इसलिए रॉयल्टी पे खा रहे हैं और कुछ नहीं आता उनको, और ट्रू भी है काफी हद तक, क्योंकि 500 बच्चों में से 5 बच्चों का प्री क्लियर होता है, दैट्स नॉट एन अचीवमेंट, आई पर्सनली बिलीव। 500 में से 400 बच्चों का एक क्लास में से प्री हो रहा हो, वो मानते हैं क्वालिटी है। 500 में से 5 बच्चे तो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे यार, कोई तो पढ़ने वाला होगा, ये अपने आप पढ़ रहा है। फर्स्टली, सेकेंडली, यू एंटर इन टू दोज इंस्टीट्यूट, यू गो फॉर द फर्स्ट सेकेंड क्लास, दे विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ एनसीईआरटी बुक्स, और काफी अगर के आपकी कोचिंग हुई है तो आपके साथ भी ये ड्रामा हुआ होगा। They'll give you a list of NCERT books starting from 6th to 12th class. और आपको लगता है ये पढ़ लिया प्लस इनकी को कर लिया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और कुछ हमारे पास तो एग्जाम्पल आते हैं इसलिए बताए, लाइक टू शेयर विद यू, उनको लगता है कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाना ही वो IAS बन गए हैं। नॉर्मली दिस इज गोइंग ऑन इन दिल्ली, अपना इतना बड़ा हवा बनाया हुआ है कि अगर बच्चों को ऐसा फील होता है, पता नहीं अगर टोकन नहीं मिला तो हमें पता नहीं हमारा एग्जाम ही क्लियर नहीं होगा। जस्ट चेक आउट देयर एग्जाम सक्सेस रेशियो व्हाट देयर हैविंग, 500 बच्चों में से 5 का प्री निकलता है क्लास में से, रियलिटी बता रहा हूँ मैं, ये पहली बात। दूसरी बात एक और बताता हूँ, वेरी फ्रेंकली, वेरी क्लियरली, उन्हीं के पढ़े हुए बच्चों को आप पूछोगे व्हाट आर द सोर्सेज दैट यू आर रीडिंग, वो सोर्सेज भी वही बुक लिस्ट बताएंगे जो आप बता रहे होंगे, शंकर फॉर एनवायरमेंट, लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए 6th to 12th, अलग अलग थोड़े एक एयर इकोनॉमिक्स के लिए संजीव वर्मा एक्सेट्रा एक्सेट्रा बता देंगे। अरे फिर पैसे देके क्यों पढ़े हो, अगर वो आपकी वो बुक लिस्ट में अगर उनके नोट्स ही नहीं आ रहे हो तो आप क्या करने गए थे वहां पे? एवरीवन वुड एग्री टू इट, इट्स नॉट अ लिस्ट। अगर सिर्फ एनसीईआरटी जब बुक लिस्ट के लिए ले गए थे वहां पे कि कौन सी किताबें पढ़नी होती हैं, तो ऑनलाइन एवरीथिंग इज अवेलेबल, यू डू नॉट इवन नीड टू स्पेंड, आजकल तो इंटरनेट भी फ्री है, डू नॉट इवन नीड टू स्पेंड इवन अ सिंगल पेनी। बुक लिस्ट तो वहां से 1.5 लाख प्लस GST, 2 लाख फीस दे रहे हो, और वो आपकी अल्टीमेटली बुक लिस्ट भी वो नहीं है जो उनके नोट्स हैं। एक बात तो पक्का है, नोट्स में से कुछ नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम इज देयर। इफ नथिंग इज कमिंग फ्रॉम द नोट्स देन व्हाट एल्स वी हैव टू रीड, इवन अ बिगर प्रॉब्लम। I would say that's not a problem, that's a solution to the problem. Solution to the problem in the context that firstly, tell me frankly, how many of students have attended the Shankar book marking class? फ्रेंड्स बताइए कितने स्टूडेंट्स ने अटेंड करी है वो किताब वो क्लास। वन टू थ्री फोर फाइव अदर्स शंकर की बुक मार्किंग, फर्स्टली। सेकेंडली, वन थिंग इज फॉर क्लियर दैट आपको शंकर बुक, लीव नॉट एनवायरमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज शंकर खुद एनवायरमेंट पूरा कॉम्प्रेहेंसिवली कवर नहीं करता। एनवायरमेंट थोड़ा सा आपके लिए आसान हुआ है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 10% आसान हुआ है। उसको आसान होने का रीजन बताओ क्या है? शंकर आसान, एनवायरनमेंट थोड़ा सा आसान हुआ है,
आसान होने का रीजन क्या है? ठीक है हर्षल, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहला, दूसरा व्हाट नॉट टू रीड, यस ये पता चला, यस व्हाट अदर थिंग्स, आपको लग रहा है थोड़ा सा 10% आपका हेल्प हो चुकी है, इंपॉर्टेंट मार्क्स पॉइंट्स आपको पता लग गया, ठीक है ठीक है, वेरी गुड, ठीक है अनुपमा, ठीक है टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है चलो। जब हम कर रहे थे द फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वाज टाइम मैनेजमेंट, अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वाज रिवीजन, क्या ये दोनों प्रॉब्लम आपकी कम हुई है कि नहीं हुई है? वो चीज आप 300 पेज को याद करने के लिए अगर आपको 10 दिन लग रहे हैं तो जो मैंने मार्क करवाया उसको 3-4-5 दिन में खत्म हो जाएगा, आपका टाइम मैनेज हो गया। अगर आपका 5 दिन में खत्म हो रहा है तो आपका अगले 5 दिन में आप 2-3 बार उसको रिवाइज कर सकते हो। अगर आप 10 दिन में पहली चीज पढ़ रहे थे, अब 10 चीज में वो आपको रट्टा मारने के कामयाब हो जाओगे। क्या दोनों के दोनों फैक्टर ही ओवर प्रॉब्लम नहीं हुआ है? अगर ये दोनों फैक्टर प्रॉब्लम ओवर हो जाएंगे तो क्या एटलीस्ट फॉर एनवायरमेंट से आपका फियर फैक्टर कम हुआ कि नहीं हुआ है? एटलीस्ट फॉर एनवायरमेंट ओनली, दिस इज द वे द प्रेपरेशन हैज टू बी डन। आई कैन बी इन अ पोजिशन टू टेक ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्लासेस ओनली, क्योंकि सबका अपना अपना टाइम स्लॉट अलॉट हुआ हुआ है कि कितनी क्लासेस कितने नंबर ऑफ आर्ट्स के लिए लेनी है हमने। हाँ बिल्कुल, चलिए फर्स्टली सो देयरफॉर द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसी हिसाब से जैसे शंकर की बुक मार्किंग है, इस बुक को मार्क करने के लिए या कोई भी बुक को मार्क करने के लिए टू थिंग्स बिकम इंपॉर्टेंट, फर्स्टली योर ओन रीडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक कॉम्प्रिहेंसिवली, सेकेंडली analysis of the UPSC papers in the last 10 years. 10 साल से UPSC का पेपर आप analyze करोगे, basically 2011 से लेके करोगे, it becomes comparatively easy to help you analyze कि किस तरीके से questions आ रहे हैं. As we have done basically in the context of Shankar, the same you have to do in the context of history, in the context of geography, polity, economics also. किस तरीके से, because not only that you will be in a position to manage your time in a much better way, time management भी आप कर पाओगे, but also if the things are there, multiple revisions can be done also. नहीं रमन, you have to read along with this, जैसे मैंने बताया था 9th and 10th, basically 10th की आप ICSE board की book की board पढ़ ले, ICSE board की book पढ़ लीजिए, that is required. ठीक है, सेम थिंग विच यू हैव डन फॉर दिस एनवायरमेंट यू हैव टू डू फॉर अदर बुक्स ऑल्सो, फर्स्टली द रीजन इज इसको करोगे प्लस सेकेंड थिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट इज बेसिकली इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिविजन, वट एवर हैज बीन कवर्ड कॉम्प्रिहेंसिवली हैज टू बी रिवाइज कॉम्प्रिहेंसिवली, जो पढ़ा हुआ है उसको आप रिवाइज भी अच्छे तरीके से करोगे। देर list of books is one thing, marking is the most important thing and revision from that particular marking is another important thing. Jab aap revise karoge kuch aapko yaad hoga kuch aap bhul chuke hoge, ye pata kaise lagega, by solving various questions and answers. Aapko jab pad chuke hote hain to aapko kya hota hai, aapko ye problem aa jati hai, over confidence, ha yaar maine pad liya, मैं वही बता रहा हूँ फैंटास्टिक मी कि लास्ट 10 ईयर्स के पेपर को आप एनालाइज करेंगे, दैट 10 ईयर पेपर विल हेल्प यू इन गाइडिंग कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है,
जब पूरा पढ़ चुके होगे रिविजन बिकम्स इंपॉर्टेंट. क्यों क्वेश्चन एंड आंसर क्यों? बिकॉज जब पढ़ चुके होते हो इन्वायरमेंट आपको लगता है हरिशंकर से मैंने पढ़ लिया है. हो सकता है वो सफिशियंट हो सकता है वो सफिशियंट ना हो. पॉलिटी पढ़ ली है हो सकता है वो सफिशियंट हो सकता है सफिशियंट ना हो. हिस्ट्री पढ़ ली है ज्योग्राफी पढ़ ली है इकोनॉमिक्स पढ़ ली है. दैट मे बी सफिशियंट और दैट मे नॉट बी सफिशियंट इट हैज टू बी डिसाइडेड. एंड कभी कभी क्या था मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता. हाँ यार मैंने पढ़ लिया शंकर अब तो चाहे यूपीएससी में कुछ भी पूछ ले तो मैं बता पाऊंगा या मैं बता पाऊंगी. अब पता उस ओवर कॉन्फिडेंस को नॉर्मल करने के लिए क्या जरूरत है? इट इज क्वेश्चन आंसर्स दैट आर रिक्वायर्ड. इफ यू आर एबल टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एनालाइज आफ्टर एनालिसिस यू कैन कम टू अ कंक्लूजन यार ये इस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं आने वाले पेपर में 2020 में. दीज कैन बी द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी कमिंग बिकॉज यू आर कीपिंग अ ट्रैक ऑफ द पेपर. यू आर कीपिंग अ ट्रैक ऑफ द लास्ट ईयर्स क्वेश्चन एंड यू आर ऑलरेडी डूइंग द करंट अफेयर्स. इन दैट केस इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी कॉन्स्टेंटली रिवाइजिंग दोज थिंग्स और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करें. वेन एवर यू वुड बी द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग फैंटास्टिकली देखो सबका मैं नहीं करवा पाता बिकॉज सबकी लिमिटेशंस होती हैं. मार्किंग जो मैं करवा सकता था वो मैंने करवा दिया. सबका नहीं करवा सकता. करवा सकता मतलब कि इट बिकम वेरी डिफिकल्ट इन दिस रिगार्ड. चलो नेक्स्ट रिविजन है क्वेश्चन आंसर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. आफ्टर डूइंग अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स यू विल कम टू नो ये सेक्शन से मेरे क्वेश्चन अब बार बार गलत हो रहे हैं. यहाँ से पिछले बार भी एक क्वेश्चन आया था उससे फिर सेकंड क्वेश्चन भी गलत हुआ थर्ड भी गलत हुआ लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है. विच गिव्स कम्स टू अ कंक्लूजन दैट जो बुक आपने पढ़ी है वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी है जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे. ट्राई टू लुक फॉर एन अल्टरनेटिव. और आप अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो तो पूरी की पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है. गो फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक. अगर आपको लगता है वो टॉपिक अच्छे तरीके से दिया हुआ है वहाँ पे देन गो फॉर रीड दैट. इन दैट केस इट बिकम्स वेरी वेरी एसेंशियल कि उसको हमने इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है. बिकॉज द सेम थिंग हैपन्स फॉर वेरी सर. फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अ नेम ऑफ अ बुक. आपको सबको पता बुक इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री. दिस इज अ बुक काफी मोटी बुक है. द बुक इज अप्रोक्सीमेटली आजकल तो 800 पेजेस के आसपास हो चुकी है. पता नहीं क्या ऐड कर रहे हैं इसमें. आठ सौ पेजेस में से अगर हम इसको एनालिसिस करने की कोशिश करें कि कहां से क्या आ रहा है कहां से क्या नहीं आ रहा है. आई वॉज टेकिंग एक्सप्लेनिंग टू स्टूडेंट्स ऑल्सो. फ्रेंड्स हाउ मेनी क्वेश्चन दे कम फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं ईयरली? 850 कर दिए. क्या बात है. हाउ मेनी क्वेश्चन दे कम फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री. ये 10 क्वेश्चन तो अभी नहीं आ रहे. अप्रॉक्सीमेटली 8 क्वेश्चन आर कमिंग. 7 to 8 क्वेश्चन आर कमिंग मैक्सिमम. ये 20 नहीं ये मॉडर्न हिस्ट्री से 10 to 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे. पूरी हिस्ट्री से आ जाते हैं 8 क्वेश्चन जिसमें से मॉडर्न हिस्ट्री के होते हहैं. अप्रॉक्सीमेटली 4 क्वेश्चन 3 to 4 क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री के होते हैं. 1 to 2 मेडिवल के होते हैं. इस तरीके से होता है सिर्फ अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो. अगर ये है अगर 8 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो 1 question per 100 pages. इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और अगर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं यू आर इन अ पोजिशन टू डू अप्रोक्सीमेटली 6 क्वेश्चन. आप ऐसा लगा लीजिए 8 to 8 तो रेयर चांस हो जाते हैं 2 question नहीं सुने होते. 6 to 7 क्वेश्चन अगर ऐसा है तो रेशियो और बढ़ जाएगी. 100 पेज में से आप 1 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो क्योंकि पढ़ोगे तो पूरी पता नहीं क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना. फर्स्टली सेकंडली एक और छोटा सी बात पूछता हूँ.
How many questions are coming from ancient history? अच्छा ठीक है अर्शन, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं? एनसीईआरटी इज नॉट सफिशियंट, ऐसा लगा लीजिए कि चार क्वेश्चन आते हैं एवरेज, तीन से चार क्वेश्चन लगा लीजिए, चार क्वेश्चन आते हैं। और एनसीईआरटी पढ़ोगे इसके लिए, एनसीईआरटी कितने पेजेस की है? अप्रॉक्सीमेटली 200 के आसपास पेजेस की है। यहां पे भी आप वन क्वेश्चन पर 50 पेजेस ऐसा चल रहा है। इसमें से आप तीन क्वेश्चन सॉल्व करोगे, दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वन वर्स्ट सर्कमस्टांस विल बी चार में से आप दो सॉल्व कर पा रहे हो अगर आप पढ़ के गए हो। ऐसा लगा लो कि वन क्वेश्चन पर 100 पेज। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कहां पे जाता है, एंशियंट हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री? मेरी अपनी बुक है एंशियंट हिस्ट्री की, अप्रॉक्सीमेटली 95 पेजेस के आसपास है। वो पढ़ोगे तो अप्रॉक्सीमेटली चारों के चारों क्वेश्चन ही वहां से निकल जाएंगे, तीन तो कहीं नहीं गए। तीन क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम ओनली 90 पेजेस एंशियंट हिस्ट्री, और ये कितने में आ रहे हैं, 100 पेजेस में एक क्वेश्चन आ रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली वॉट इज हैपनिंग इज बेसिकली कहाँ पे आपने टाइम इन्वेस्ट करना, अब वो नहीं समझ पा रहे हो, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे करना है लेकिन वहां से आउटपुट रेशियो कंपेरेटिवली कम होगा, दैट बिकम्स डिफिकल्ट। नंबर इंपॉर्टेंट मार्किंग सबकी नहीं हो सकती, आप हमारी लिमिटेशन भी समझिए फर्स्टली, सेकेंडली देयरफॉर इन दिस रिगार्ड, ये अगर आप खुद कर रहे हैं इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस तरीके से आप निकालिए उसको। 120 days are there. 120 days are more than sufficient to clear the exam. More than sufficient even if you are a fresher. The reason being, you need not only the list of the books, you need a proper mentoring. For example, any student facing a problem, a February se mere paas bhi thoda sa jyada time hoga comparatively because offline classes mein kafi had tak mera khatam ho chuka hai, syllabus thoda bahut rehta hai. February mein you can always be in touch with me. February is there, March is there, April is there, May is there. Raman, that will be more than sufficient. You can always be in touch with me. Telegram channel maine banaya hua hai, sabko naam bataya hua hai, Maluka sir. You can always, koi bhi aapko doubt hai to mere ko help, I am there to help you out. I've also, Maluka sir ke naam se hai. I've also created a group for the Unacademy student WhatsApp pe kiya hua hai. If you are there, if you want to be there, to aap mere ko yahan pe message kar dijiye 9910133084 pe. Ab mere ko message kar dijiye jo bhi doubt hai, I'll try to help you out. Wahan pe apna naam definitely likhiye and write that you are a student of Unacademy. I've created a special group. Agar aap wahan pe apna naam nahi likhoge ya Unacademy student nahi likhoge, I won't be adding you to the group. Therefore, it becomes important. Important basically in the consideration कि आपके पास guidance सही होनी चाहिए। कभी कभी हमें क्या होता है कि हम खुद कर लेंगे। मैं ये बिल्कुल आप पे doubt ही नहीं करता कि आप खुद नहीं कर पाओगे। No second doubt in that. लेकिन यहाँ पे time management भी तो होता है। जो चीज़ आप खुद कर रहे हो, for example, just a demo of that is Shankar. आप खुद भी Shankar कर रहे हो, आपको याद रहेगा, लेकिन comparatively कम याद रहेगा। हम आपको मार्क करवा रहे हैं, मल्टीपल अदर थिंग्स यू नीड, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। कुछ एनी हेल्प यू नीड, वी आर देयर टू हेल्प, प्रोवाइडेड यू आर वर्किंग अपॉन दैट पर्टिकुलर लाइंस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन योर प्रेपरेशन इज ट्रू टू योरसेल्फ। यू शुड बी इकोनॉमिक्स इज नॉट, मैं एक ये मेरे को कंप्लीट करिए रमन, फिर हम आपके ऊपर उसके
You should be true to yourself. True to yourself has to be seen basically in the context ki every you can cheat everyone but not yourself. Basically in the context that you have prepared a certain plan. That agar aaj agar aap bhi aaj bhi aap apni taiyari shuru karte ho and you are saying that here I would be reading for 10 hours. And that 10 hours has to go continuously. That should not be for 1, 2 or 3 days. That has to go continuously. Lagatar wo aapko 10 hour karke hi padhna padega. That is what is required. Normally, ek bahut badi problem hai. Aap usko mano ya usko mazak samjho. WhatsApp, Telegram, etc. etc. These are very, very good disturbances in the preparation. Very good disturbances. If you can stay true to yourself and reduce the time on WhatsApp or Telegram or so-called such other social medias, Facebook, okay, whatever. काफी हद तक आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में होने के चांसेस होते हैं. दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. क्यूटिफाई दैट वेरी लेस मार्क्स. अगर आपकी 40 मार्क्स आ रहे हैं तो मतलब 20 क्वेश्चन सही हैं कटपट करके. दैट्स प्रॉब्लम दैट हैज टू बी ओवरकम. नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड इज 10 आवर. 10 आवर हैज टू बी 10 आवर्स. It should not be that you are standing or sitting in front of a laptop or for example a computer or for example a MacBook or for example having a book in your etc. Phir aur bhi badhiya. So it is very very important aspect that you should not be distracted by various things. If 10, I'll give you a small example. There was a student by the name Vaishali. Shayad aap usko jante bhi ho. She was ranked 8 last year. She told me one thing when she was studying etc. etc. She said that she used to keep a timer or a clock. And for example, she used to read for example for 10 a.m. to 12 noon, then take a break for 15 to 20 minutes, again started at for example 12:30 to 2:30. She used to read in the shifts. This is tarike se padhti thi. Lekin one thing was clear that 2 hours means 2 hours of study, not of disturbances anywhere. Whatever is happening, let it happen. She did not allow anyone to disturb her and multiple things. fantastic me, एक simple सी बात है जो आप questions solve कर रहे हो वही मैंने बोला कि आपको over confidence को भी confidence में convert करने के लिए under confidence को भी confidence में convert करने के लिए UPSC is the right track. The questions, if you are able to solve UPSC questions comparatively, you will be in a better position. Do cheez jaise for example Shankar ki environment hai, environment Shankar hai. Plus you have to read ICSC 10th class book. A combination of both of these will give you a very good amount of confidence. No problem, Raman, that's not a problem. Even if you are starting today, today is 28th. Firstly, you start reading newspapers from there. Aapko thoda sa diversify karna padega plus a proper mentor is required. Normally, students kya karte hain? They go for ABC Institute, XYZ Institute utha lete hain. उसके नोट्स पढ़ लेते हैं या फॉर एग्जांपल थोड़ा सा और लगता है कि उनको सही नहीं है एक और एबीसी इंस्टीट्यूट के नोट्स भी उठा लेते हैं वो भी पढ़ने लग जाते हैं दोनों के दोनों करंट अफेयर करने की कोशिश करते हैं
I would advise you if you are reading under some mentor, that mentor must definitely have made a good amount of notes also. Go for that notes and not for these notes. The reason is there. हमें बता दूंगा। नॉर्मली क्या होता स्टूडेंट से हम पूछते हैं, भी स्टूडेंट खुद ही बताते हैं कि करंट अफेयर के लिए हम विजन पढ़ रहे हैं, इनसाइट्स पढ़ रहे हैं नॉर्मली, ठीक है, बिकॉज अल्टरनेटिव नहीं है अवेलेबल। स्टूडेंट अल्टरनेटिव एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रहे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। एक्सेप्टेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ये मैं क्लियरली बोलता हूँ। स्टूडेंट्स में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, और फेलियर पे फेलियर उनको एक्सेप्ट है, लेकिन चेंज करना एक्सेप्टेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल विजन आईएएस के नोट्स हो गए, पहले तो मंथली मैगजीन आता रहेगा, उसके बाद प्लस और फालतू सा ऐड कर दिया जाएगा 365 के नाम में से। देन देयर इज अ इनसाइट्स ऑन इंडिया, इसका भी मंथली आता रहेगा। डू नॉट गो बाई वट आई एम सेइंग, जो मैं कह रहा हूं उसके ऊपर मत जाइए। अप्लाई योर ओन लॉजिक, आस्क एनी ऑफ योर सीनियर, क्योंकि सीनियर भी यही पढ़ पढ़ के फेल हुए हैं, उनसे पूछिए कि यार भैया एक मेरे को बात बताइए कि ये विजन से लास्ट ईयर में 2019 में, 2018 में, 2017 में कितने क्वेश्चन आए थे। एक मैगजीन में 80 पेजेस होते हैं, x 12 960 पेजेस, प्लस इनका 365 ऐड कर लो, अनदर 200 पेजेस। ज्यादा नहीं तो कहीं ना कहीं आपको 1100 पेजेस तो हो जाएंगे। 1100 पेजेस में से अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो दैट्स नॉट एन अचीवमेंट फ्रेंड्स। टाइप किए हुए में से 1100 पेजेस में से 5 क्वेश्चन आ रहे, कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। वो एक इंस्टीट्यूट है। अब इनसाइट्स वाला उठाओगे 150+ पेजेस x 12, 2000 पेजेस के ऊपर हो जाता है वो, और दोनों 3000 पेज आप पढ़ चुके हो। अल्टीमेटली क्वेश्चन कितने सॉल्व कर रहे, 5 या 6? नहीं, मेरी बात पे मत जाओ। आस्क योर सीनियर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, दे विल से कि यार कुछ नहीं आया था। उनसे पूछना दोबारा, अगर कुछ नहीं आया तो आप दोबारा क्यों पढ़ रहे हो, कुछ नहीं आया था तो आपको क्यों बता रहे हो। द सिंपल आंसर दे विल, फिर और क्या पढ़े। दे विल नेवर बी गोइंग फॉर अ मेंटर हु कैन गाइड देम, दे विल नेवर बी गोइंग फॉर अ मेंटर। उसका रीजन है, आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन सही है, इनसाइट्स या ये विजन सही है। फ्रेंड्स क्लियरली आई एम सेइंग इट, ओपनली आई एम सेइंग इट, यहां से कुछ नहीं आ रहा, मेरी बात पे मत जाओ, चेक इट योरसेल्फ, वहां से नहीं आ रहा। सीसेट की थोड़ा सा कोचिंग ले लो, रबानी क्या प्रॉब्लम है यार, कोचिंग कर लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। वैशाली यूज टू रीड हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, बोथ शी यूज टू रीड। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब इनकी बात करते हैं कि अब पढ़ना क्या है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्टली आई वुड स्टिल बी एडवाइजिंग यू, गो फॉर अगर जा तो खुद पढ़ो फ्रेंड्स, इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ टाइम। आप अपने टाइम मतलब आने वाले सिर्फ हमारे पास 4 महीने ही है। Either you read it yourself, आपने खुद क्या पढ़ना है वो बता देता हूं। जो मिस हो चुका किसी के नोट्स, आपको किसी स्टूडेंट के किसी अच्छे के नोट्स ले लीजिए, प्लस कंटिन्यू टू रीड हिंदू और कंटिन्यू टू रीड इंडियन एक्सप्रेस, दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज और गो फॉर सम मेंटर, बहुत हेल्प करेगा आपको, बहुत ज्यादा है। आई एम नॉट सेइंग कि ठीक है मेरे को ही ज्वाइन करो, कहीं भी गो फॉर एनी मेंटर विच यू लाइक यार, जो आपको ठीक लगता है। दे पीपल इफ और दैट मेंटर शुड बी राइट, ये बहुत होना जरूरी है। मेंटरी के नाम पे सबको ले, सब हर कोई पढ़ाने लग जाता है। राजेंद्र नगर में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिसका खुद कभी प्री नहीं हुआ और दूसरों को गाइड कर रहे हैं और बोलते हैं कि मैंने 4-4 बार इंटरव्यू दी है। पर्सनली जानता हूं मैं ऐसे लोगों को। Go for a right mentor who can really help you out, who really willing to support the student. It is very, very, देख सिंपल सी बात है, कहीं पे भी आप जाएंगे
अब खुद पढ़ेंगे, आई एग्री विद यू, खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर कहीं पे भी जाएंगे मैक्सिमम दे वुड भी 4 महीने 4-5 हज़ार रुपये चार्ज करेंगे आपको। 4-5 हज़ार रुपये फ्रेंड्स इज नॉट दैट बिग अमाउंट। मैं मानता हूँ कुछ के लिए बड़ा हो सकता है, आई कैन एग्री विद यू, टोटली आई विल एग्री विद यू, यार बहुत बड़ी अमाउंट भी हो सकती है, लेकिन फॉर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर सिविल सर्विस 5,000 इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ 4 मंथ। और अगर बाई चांस आपका प्री नहीं निकला तो एक साल का पूरे का पूरा प्रोसेस है फ्रेंड्स, इस बात को हमेशा याद रखो। बहुत बार ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस हमें होता है कि मैं कर पाऊंगा या मैं कर पाऊंगी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, अल्टीमेटली वो नहीं हो पाता। अगर आप किसी मेंटर को भी नहीं जाना चाह रहे हो, एटलीस्ट हैव अ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन और अ कॉन्स्टेंट गाइडेंस विद गाइड एज फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। आप उसको जो भी है मेंटर आपका एक्स वाई जेड आप चूज करना चाह रहे हैं, जो भी एज पर योर कॉन्फिडेंस अपॉन दैट पर्टिकुलर पर्सन, आई वुड एडवाइज यू टू मीट और इंटरेक्ट वट एवर यू फील लाइक एज इज। इंटरेक्शन कैन बी ओवर द फोन, इंटरेक्शन कैन बी ओवर द मेल और वट एवर, इंटरेक्ट विद दैट पर्टिकुलर मेंटर एटलीस्ट वंस अ वीक। एक बार पक्का मिलो उससे। द रीजन फॉर मीटिंग विद द मेंटर इज बेसिकली इन द कंसिडरेशन दैट He or she would be telling you something which you also know it, but आपको एक एक direction, एक path बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा helpful और कामयाब रहेगा। एक बार हफ्ते में मिलो, चाहे वो mentor आपसे 5 मिनट मिल रहे हैं, 10 मिनट मिल रहे हैं, do meet with that particular mentor। आपको एक लह में, एक direction में रखने के लिए कामयाब होंगे। आपका workload है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको शंकर की हेल्प करी है, ही और शी मे हैव हेल्प फॉर अनदर बुक। अगर ऐसा 2-4 लोग आपके पास इंटरेक्शन है, कंपेरेटिवली यू विल बी इन अ मच मच बेटर पोजीशन टू क्लियर द एग्जाम। अ स्टूडेंट हैज आस्क्ड फॉर एक थोड़ा सा जल्दी से बुक लिस्ट भी बता देते हैं। थोड़ा सा एक कीप अप बुक लिस्ट की कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी है, इसको रिविजन वुड बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। 6th to 8th class न्यू वाली बुक नहीं लेनी, ओल्ड एनसीईआरटी लेनी है। +1 ओल्ड एनसीईआरटी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसके बाद +1 and +2 की पढ़नी है। ज्योग्राफी ही है जो थोड़ा सा ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। हाँ जी, हाँ जी रमन, ये मेरे पास सभी का अभी तो आई था। डीसी लियोंग ओनली द सेकंड पार्ट, मतलब 91 पेज से लेके 180 पेज तक, पहले 90 पेज नहीं पढ़ने। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एटलस। इकोनॉमिक्स के लिए आप शंकर गणेशन की बुक देख सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता। आप मृणाल सर के नोट्स देख सकते हैं। साथ में आप इकोनॉमिक सर्वे प्लस करंट, क्योंकि इकोनॉमिक्स में से अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, 12 में से 4 क्वेश्चन ट्रेडिशनल होते हैं और 7 से 8 क्वेश्चन 6 to 8 क्वेश्चन दे आर बेसिकली करंट प्लस ट्रेडिशनल को मिला के होते हैं। ये बेसिकली सिंपल सा हो जाएगा। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ठीक है, प्लस साथ में आपको बिकॉज कुछ इनिशियल वाले चैप्टर सुभाष कश्यप में, जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन वाले हैं, फंडामेंटल राइट सही है, उसका जो इम्प्लाइड पार्ट है बस उतना सुभाष कश्यप से पढ़ लेना, काफी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। हिस्ट्री है, एंशियंट है,
आप मेरी बुक देख सकते हैं, दैट इज सफिशेंट. आपको अमेजोन पे मिल जाएगी वेरी इजली. मेडिवल के लिए आप एनसीईआरटी देख सकते हैं, जहाँ तमिलनाडु बोर्ड की बुक आती है. एक मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम देख लीजिए. एनवायरनमेंट के लिए आपको शंकर मार्क करवा चुका हूं. प्लस आपको 10th क्लास आईसीएसई बोर्ड की इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे से करिए, हर साल आता है. सिक्स्थ फॉर आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, या नितिन सिंघानिया. एक बुक आती है इंडिया एयर बुक, हाँ पूरा पढ़ना पड़ेगा जी आपको. इंडिया एयर बुक जैसे ही आती है तो इसकी बुक मार्किंग आई विल डू. अप्रॉक्सीमेटली 900 to 1,800-900 पेजेस होते हैं. आप उसमें से आपके 80 to 90 पेजेस में खत्म करवा दूंगा पूरे का पूरा. प्लस वन प्लस टू की न्यू बुक आती है रमन, फिजिकल ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी ऐसे है. इसकी मैं इंडिया एयर बुक की मैं मार्किंग करवा दूंगा, इसकी आप टेंशन मत लीजिए. बहुत मोटी बुक है, कुछ लोग बोलेंगे पढ़ो, कुछ लोग बोलेंगे नहीं पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन 80 पेज तो पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. डेढ़ दिन का काम है, एक दिन का, तो वो पढ़ लेना. फॉर करंट अफेयर्स आप हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो. आई वुड एडवाइज यू नॉट टू गो फॉर विजन एंड इनसाइट्स, बिल्कुल मत पढ़िए, दैट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम. आपको ऊपर ऊपर से सब आता होगा, सब सुना होगा, लेकिन एग्जाम नहीं क्लियर हो पाएगा. दिस इज व्हाट आई बेट ऑन. देख लेना, अपने सीनियर से पूछ लेना जो दो दो तीन तीन साल से अटेम्प्ट दे रहे हैं, जिसका प्री नहीं हो रहा, कॉन्स्टेंटली वही पे पढ़ के दे रहे हैं. तो एक बात समझनी पड़ेगी, दे सम फंडामेंटल रॉन्ग इन देयर प्रिपरेशन, जिसकी वजह से उनका बार बार प्री नहीं हो रहा. तो ये एक बेसिक बुक्स की लिस्ट है जो आपको पढ़ना पड़ेगा टू मेक योर प्रिपरेशन कंपेरेटिवली इजी वन. फर्स्ट सेकेंड And those students who want to join for the Plus platform, they can use my referral code Malooka Sir. I'm there to help you out. मैं वहाँ पे काफी courses ले रहा हूँ. Malooka Sir YouTube के नाम से है. Malooka Sir YT. YouTube YT नाम से. And you'll get a 10% discount on all the courses. I am teaching history over the platform plus पे. मैं वहां पे important questions करवा रहा हूँ, मैं वहां पे interview guidance करवा रहा हूँ. So I'm taking up all these classes over there. आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर वहां पे प्लस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करेंगे. और करेंगे तो वी विल गेट एन एक्सेस टू एन नंबर ऑफ टीचर्स आल्सो. एंड जब भी आप यूज करेंगे, डू यूज माय रेफरल कोड Malooka 10 एंड यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज व्हिच आर बीइंग ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म. साथ में ही आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं. कोई भी जब क्लास नहीं चल रही है फिर भी कोई आपको डाउट है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, यू कैन आस्क ओवर देयर. व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. बट डू राइट दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, देन ओनली आई विल बी इन अ पोजीशन टू हेल्प यू. सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, विल बी ज्वाइनिंग अगेन फॉर एन नंबर ऑफ क्लासेज दैट आर देयर. अपकमिंग क्लासेज हैं, दो तीन और यूट्यूब क्लासेज हैं. देन फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड, द स्पेशल क्लासेज विल बी ज्वाइनिंग एंड विल बी स्टार्टिंग. वो भी आप सबको एक्सेसिबल है. थैंक यू वेरी मच.
हैव अ नाइस डे एंड कीप वर्किंग हार्ड. कोई जरूरत होती है तो लेट मी नो.